नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने है स्कोडा की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली प्रीमियम सेडान फ्लाविया। और इस गाड़ी की प्राइस स्टार्ट होती है 11,53,000 रुपये से और टॉप मॉडल जाता है 19,12,000 रुपये। और ये आपके सामने है स्कोडा फ्लाविया का बेस मॉडल, एक्टिव नाम से आता है और इसकी एक शोरूम प्राइस है 11,53,000 रुपये। और आज मैं हूँ जगदीश स्कोडा, होशंगाबाद रोड भोपाल में। तो यहाँ पर यह गाड़ी आपको लगभग 13.5 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मैंने फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस गाड़ी से जुड़ी सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि 13.5 लाख रुपए में आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। बोनट एरिया के ऊपर देखेंगे तो डिज़ाइन दिया गया है, बड़े साइज का लोगो मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है, देखने में बहुत ज़ोरदार लगती है। सराउंडिंग में पूरा क्रोम का यूज किया गया है। पूरा हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो ये तो बहुत अच्छा लगता है। अंदर रिफ्लेक्टर बेस, लो बीम और हाई बीम के लिए हाइड्रोजन बल्ब का यूज किया गया है। साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बेस मॉडल में आपको DRL भी दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। नीचे देखेंगे तो कोई भी फॉग लाइट नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप शोरूम से ही लगवा सकते हैं या आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, जो भी आप चाहें। पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे ना तो बहुत ज़ोरदार लगता है यार, डिज़ाइन बहुत शानदार लगता है। बेस मॉडल है लेकिन कहीं से भी आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि सभी गाड़ियों के बेस मॉडल पे, लेकिन इसमें ORBM पे दिया गया है। बस इसमें आप बाहर एलॉय व्हील डलवा लीजिए, उसके बाद तो ये कहीं से भी नज़र नहीं आएगा कि बेस मॉडल है। अब एक बार हम इस गाड़ी के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 4541 मिलीमीटर लंबाई है, 1752 मिलीमीटर चौड़ाई है और 1507 मिलीमीटर हाइट है और 2651 मिलीमीटर का मिल जाता है व्हील बेस। ऊपर देखेंगे तो डुअल वाइपर और बॉफर का सेटअप किया गया है। रूफ पूरी तरह से प्लेन है, पीछे एंटीना दिया गया है रेगुलर वाला। अब एक बार टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो इस गाड़ी में 15 इंच का टायर मिलता है बेस मॉडल में। अगर आप टॉप एंड में जाते हैं तो आप 16 इंच का मिलता है। आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक है, स्टील रिम के साथ आता है, अपोलो का टायर है, ये व्हील कवर लगा हुआ है सिल्वर कलर का, ये गाड़ी के साथ ही मिलता है। स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर देखेंगे फेंडर पे, क्रोम पे, ORBM देखेंगे तो बॉडी कलर पे दिया गया है। इसी में इंडिकेटर मिल जाता है और ये बड़े साइज का है तो अच्छी आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड हाथ पे करना पड़ेगा। पूरा विंडो एरिया भी देखेंगे तो बड़े साइज के दिया गया है। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना तो अच्छा खासा आपको स्पेस नज़र आता है। बॉडी कलर में ही डोर हैंडल दिए गए हैं, पीछे एक क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है। कुछ इस टाइप से पूरा साइड का व्यू लगता है। गाड़ी तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी है और इसका रोड प्रेजेंस भी बहुत शानदार है। पीछे वाले टायर में ड्रम ब्रेक दिया गया है, आगे वाले टायर में डिस्क ब्रेक मिलता है। अब एक बार हम इसका पूरा रियर का व्यू देखते हैं। डिज़ाइन अगर आप देखेंगे ना तो ये सेगमेंट में सबसे शानदार डिज़ाइन वाली गाड़ी है। पूरी चौड़ाई की बात करें अगर तो 1752 मिलीमीटर की है और अच्छी खासी लंबी चौड़ी गाड़ी है। पूरा टेल लैंप यूनिट देखेंगे तो LED पे दिया गया है और नीचे आपको जैसे हाइड्रोजन पे इंडिकेटर, यहीं पे रिवर्स पार्किंग वाला लैंप और ब्रेक लाइट दी गई है। स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है क्रोम पे और नीचे देखेंगे तो फ्लाविया लिखा हुआ है, ये भी क्रोम पे ही दिया गया है। टेल लैंप यूनिट का डिज़ाइन भी देखेंगे तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टाइप पे लगता है, क्योंकि इस टाइप का डिज़ाइन अभी किसी भी गाड़ी में आपको देखने को भी नहीं मिलता, इसलिए ये थोड़ा सा फ्रेश डिज़ाइन है। नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है, 3 रिवर्स पार्किंग वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर मिल जाते हैं। इस गाड़ी में 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये सेडान है लेकिन पूरी तरह से ग्राउंड क्लियरेंस आपको SUV वाला दिया गया है। ऊपर डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंटेन लैंप और रेगुलर एंटीना दिया गया है। इधर साइड में देखेंगे तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है, डीजल में नहीं आती है। अब एक बार हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सेडान है तो अंदर देखना पड़ेगा कि किस टाइप से पूरा बूट स्पेस मिल रहा है। अंदर देखेंगे तो अच्छी तरह से कवर किया गया है, ये चीज़ें देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर प्रीमियम गाड़ी है ना तो उसी टाइप से फील भी आना चाहिए। 521 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है जो बहुत ज़ोरदार है, अच्छा खासा बड़े साइज का बूट स्पेस है। पूरी तरह से फ्लैट है तो गाड़ी के अंदर सामान रखने और उतारने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नीचे देखेंगे तो 15 इंच का ही स्पेयर व्हील भी मिलता है। बेस मॉडल में 15 इंच का टायर दिया गया है, इसीलिए स्पेयर व्हील भी 15 इंच का दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है, जैसे इसका अगर आप डोर वगैरह बंद करते हैं ना तो उसी टाइप से फील भी आता है, मजबूत गाड़ी फील होती है।
अब एक बार हम इसका पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या चीजें मिलने वाली हैं। पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो ड्यूअल कलर का यूज किया गया जो देखने में प्रीमियम लगता है। पूरा डार्क ग्रे और बीच कलर का कॉम्बिनेशन है, ये चीजें थोड़ा सा प्रीमियम लगती हैं। ओपनर देखेंगे तो मैट ब्लैक कलर पे दिया गया है। हैंडल देखेंगे तो मजबूत फील होता है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है तो ये जरूरी है। पावर विंडो का बटन मिल जाता है और यहाँ पे फैब्रिक का यूज किया गया है, सॉफ्ट टच है, ये भी अच्छा लगता है। 1 लीटर की बॉटल और स्पीकर दिया गया है। अब एक बार हम अंदर का पूरा माहौल देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे ये बेस मॉडल है, उसके बाद भी देखेंगे तो तीनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सभी के लिए डेडिकेटेड सीट बेल्ट भी दिया गया। सीट पूरी तरह से फैब्रिक में है, अगर आप बैठेंगे ना तो अच्छा खासा कम्फर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसमें चाहे आप थाई सपोर्ट देख लीजिए, चाहे लेग रूम देख लीजिए, स्पेस भरपूर है क्योंकि यहाँ पे आपको 2651 mm का व्हील बेस मिलता है। ऊपर लाइट दी गई है, साइड में ग्रैब हैंडल दिया गया है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको प्रैक्टिकल स्पेस बता देता हूँ कि किस टाइप से मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे पूरा लेग रूम देखेंगे तो अच्छा खासा है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। और नी रूम भी देखेंगे तो भरपूर मिल जाता है। थाई सपोर्ट भी भरपूर है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और 1752 mm इसकी चौड़ाई है तो 4 लोग भी बैठ जाते हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हैंडल दिया है और हुक भी दिया गया है। लाइट मिल जाती है, ये भी LED में है, वाइट लाइट, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी थोड़ा सा प्रीमियमनेस को बढ़ा देती है। और उसके बाद पूरा अंदर का डिज़ाइन देखेंगे तो ज़ोरदार है। जैसे यहाँ पे हम्प देखेंगे तो ना के बराबर है, अगर कोई बीच में बैठेगा ना तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीछे AC नहीं मिलता लेकिन आगे वाला ही AC भरपूर कूलिंग कर देता है। अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखता है जो प्रीमियम लगता है। बेस वेरिएंट है लेकिन चीज़ें आपको टॉप इन वेरिएंट की तरह ही प्रोवाइड करी गई हैं। ये तो गई गाड़ी के पूरे पैसेंजर साइड की कहानी। अंदर अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा कम्फर्ट मिल जाता है और डोर बंद करते समय जो आवाज़ आती है ना तो ये तो आपको बताएगी कि ये 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी है। ड्राइवर साइड का डोर ट्रिम भी देखेंगे तो पीछे की तरह ही दिया गया है, डुअल टोन पे है, डार्क ग्रे और बीज कलर का कॉम्बिनेशन है। मैट ब्लैक कलर में ओपनर दिया गया है और यहीं पे ऊपर ट्विटर मिल जाता है। इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप किया गया है। म्यूजिक क्वालिटी ज़ोरदार है, हैंडल देखेंगे तो अच्छा खासा मजबूत है। ORBM को एडजस्ट करने के लिए 4 पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं। ये वाला पूरा एरिया सॉफ्ट टच में दिया है। नीचे 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान और भी रख सकते हैं और यहीं पे स्पीकर मिल जाता है। अंदर का माहौल देखेंगे तो कुछ इस टाइप से पूरा डिज़ाइन दिया गया है, सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। ये चीज़ें पूरा देखेंगे ना तो प्रीमियम फील तो होती हैं, ड्यूअल टोन की वजह से बहुत शानदार लगती हैं। सीट देखेंगे तो पूरी तरह से फैब्रिक में है, अच्छी खासी आपको कुशनिंग प्रोवाइड करती हैं, अच्छा खासा कम्फर्ट मिल जाता है और पूरी तरह से बकेट टाइप से सीट है तो कितनी भी दूरी अगर आप सफ़र करेंगे थकावट महसूस नहीं होगी। हाइट और डिक्लाइन दोनों ही एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अंदर का पूरा डिज़ाइन देखेंगे तो अच्छा लगता है और प्रीमियम लेवल की फिनिशिंग की गई है। इधर देखेंगे तो AC नॉब का डिज़ाइन है, सराउंडिंग में पियानो ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है, हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है, एडजस्ट करने के लिए साइड में मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, कुछ भी आप ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। नीचे ABC पैडल है, साइड में डेडिकेटेड डेट पैडल भी मिल जाता है और यहीं पे बोनट ओपन करने के लिए नोब दिया गया है। ये डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग लगता है, सभी गाड़ियों पे अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट लगती हैं। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता देता हूँ कि किस टाइप से पूरा स्पेस मिलने वाला है। अगर आप सीट में बैठेंगे ना तो आपको फील आएगा कि अच्छा खासा कम्फर्ट मिलने वाला है, कितनी भी दूरी अगर आप ड्राइव करेंगे थकावट भूल जाइए, बहुत ज़ोरदार कंफर्ट है। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी देखेंगे तो अच्छा लगता है, बीच में लोगो मिल जाता है, नीचे एयरबैग है, दोनों साइड हॉर्न दिया है। इधर साइड देखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम और टेलीफोनी का कंट्रोल दिया है, फ़ोन उठाने काटने के लिए, और इधर MID को कंट्रोल करने के लिए दिया है। 2 स्पोक वाला डिज़ाइन मिलता है, ये तो थोड़ा सा प्रीमियम लगती है यार, चीज़ें थोड़ी सी अलग दिखती हैं क्योंकि इस टाइप के डिज़ाइन सभी गाड़ियों में नहीं है। इधर देखेंगे तो हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए इंडिकेटर का दिया है और इधर देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल दिया है। ये चीज़ें भी देखेंगे तो थोड़ी सी अलग है सभी गाड़ियों से। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करें तो इसको आप टिल्ट कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक भी कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ कर सकते हैं। बेस वेरिएंट में ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करी जा रही हैं। आगे देखेंगे तो आपको एनालॉग क्लस्टर दिया है, बीच में MID मिल जाती है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर है, राइट साइड में पूरा 240 स्पीड के साथ स्पीडोमीटर दिया है। नीचे देखेंगे तो बटन मिल जाती है फिट करने के लिए। अब आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे
इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। यहाँ पे देखेंगे तो 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल दिया है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आता है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप किया गया है, नीचे एफी नोब का डिज़ाइन है, आगे ही एफी मिलता है पीछे नहीं मिलता, बीच में 1000 बटन है, पूरी तरह से मैनुअल एफी है, ऑटोमेटिक आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है, लेकिन कूलिंग ज़ोरदार है। नीचे भी देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया है, सराउंडिंग में क्रोम का यूज किया गया है, ये भी देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल फिट करने के लिए, इधर लॉक अनलॉक करने के लिए और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, ब्लैक टिप के साथ हैंड ब्रेक दिया गया है, और इधर देखेंगे तो 12 बोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। साइड में थोड़ी सी जगह है, आप सिक्का वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपको इसमें फ्लिप की दी गई है, देखने में अच्छी लगती है। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, बोनट ओपन कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। फ्लिप की मिलती है, स्मार्ट की आपको टॉप एंड वेरिएंट में दी जाती है, देखने में अच्छी लगती है। बेस वेरिएंट में आपको फ्लिप की मिल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 3 कप होल्डर दिए हैं और पीछे भी आप थोड़ा सा सामान रख सकते हैं, बॉटल वगैरह रख सकते हैं। डे नाइट वाला मैनुअल IRBM दिया गया है और यहीं पे ऊपर लाइट दी गई है, ये वाइट लाइट है, ये बहुत अच्छी बात है। ये LED में यूज करी गई है और इसी टाइप से आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे कोई भी सनग्लॉस होल्डर वगैरह नहीं मिलता, लेकिन स्पेस दिया गया है। इधर देखेंगे तो टिकट होल्डर मिल जाता है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है। साइड में देखेंगे तो एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल दिया है और ये चारों ही जगह दिया जाता है, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों पैसेंजर के लिए। कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिजाइन है। ऊपर देखेंगे तो पूरी तरह से फ्लैट है, यहाँ पे आप भगवान रख सकते हैं। और इधर क्लस्टर के ऊपर देखेंगे तो स्कोडा की बैजिंग दी गई है, डिजाइन जोरदार है यार, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। इधर देखेंगे तो 3 लेयर का यूज किया गया है, जैसे ऊपर पूरा डार्क ग्रे है, बीच में ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज किया गया है, नीचे बीज कलर है, देखने में अच्छा लगता है। डिफरेंट साइज का ग्लव बॉक्स है, इसमें भी आप अपनी ज़रूरत का सामान रख सकते हैं। अब एक बार इस गाड़ी की सेफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है। इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड में, उसके साथ ABS+EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, TPMM, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। तो सेफ्टी तो भरपूर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा अंदर का माहौल भी देखेंगे तो बहुत ज़ोरदार लगता है, अंदर अच्छा खासा स्पेस है, स्पेस में भी कोई कमी नहीं है। पूरी सीट देखेंगे तो अच्छा खासा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, और आप तो ये जानते हैं कि बेस वेरिएंट है, लेकिन कहीं से भी ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप भी किया गया है, म्यूजिक क्वालिटी भी बहुत ज़ोरदार है। ये तो हो गई गाड़ी के अंदर और बाहर की पूरी कहानी। अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें 1.0 लीटर का TFI पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, और इसमें 113 BHP की मैक्सिमम पावर और 178 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है, और इस इंजन से लगभग 19 KMPL की माइलेज भी क्लेम की जाती है। तो ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो देखने में तो बहुत शानदार लगती है, लुक तो बहुत ज़बरदस्त है, अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, और 13.5 लाख रुपए में आपको एक प्रीमियम सेडान मिलने वाली है, और 179 mm का SUV वाला ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।